मेरे पोइट्रीज लिखता था, और बेसिकली मैंने मतलब शुरुआत भी जो करी थी ना वो राइटिंग से ही करी थी। आज से 15-16 साल पहले मैंने सबसे पहले पोएम्स लिखना शुरू किया था अपनी लाइफ में। फिर पोएम्स से मैं गाने लिखने में आया कि मुझे अब गाने लिखने हैं। फिर गाने लिखने लिखता था तो उनको सुनाने के लिए गाना भी पड़ता था, फिर गाने में आया। तो फिर क्या, मुझे कभी मौका ही नहीं मिला कि मैं अपनी पोएट्रीज सबको सुना सकूं। तो अभी मिल रहा है मौका, तो इस मौके का फायदा उठा रहे हैं हम। जांगीर कह रहे हैं, सर आपके सॉन्ग बहुत अच्छे लगते हैं, शुक्रिया ब्रदर। डी के कलाल दीपक कह रहे हैं, मस्त हैं सर, एकदम मस्त, आपको देख लिए इसलिए। जैन वर्षु कह रही है हाय। स्नेहल सोनेवान, मस्त है सर, कपकेक, एक लाइन प्लीज सर, यू आर सो क्यूट। बानू मोयल कह रही हैं, मिस्टिकल डिम्पल, नो कमेंट, बस नोटिस्ट करो। अरे यार, बहुत प्यारे हो तुम सब, तुम सब बहुत प्यारे हो। और मैं सोच रहा हूँ कि एक गाना ऐसे गा कर सुना देता हूँ थोड़ा सा। अब क्या, मैंने प्लान नहीं किया था गाना सुनाने का, तो इसलिए मुझे अभी याद नहीं आ रहा एकदम से कि कौन सा गाना सुनाऊं। तो सुनो, है ना, ठीक है, कि रे माँ कहती रे पगली, मिलते ना वो ठगती, दुनिया उसके नाम पे करती है काले काम रे उसे माया नगरी में। और धुरते है सारी नगरी बाबा पहन के असली, चोगा फिरते ही नकली, दिल और काले मन की पोटली उसे माया नगरी में। रख लेंगे मेरा पूरा ध्यान रे, वो है मोरे सैया, वारी हूँ मैं तन मन और जान रे, वो है मोरे सैया। तो ये अपना सॉन्ग है, इस सॉन्ग का नाम है कृष्णा से जाके कह दूंगी, और उसकी कुछ लाइंस हैं। ये गाना आज से मैंने शायद 3-4 साल पहले लिखा था, तो ये आप चाहो तो YouTube पे जाके देख भी सकते हो। बड़ा अच्छा लग रहा है यार, तुम सब से बात करना, काफी टाइम हो गए। और जनरली ना, मैं क्या है, जाइब कह रहे हैं भाई, और बहुत प्यारा उन्होंने शायद एक कमेंट लिखा था, मैं पढ़ नहीं पाया, बार कोशिश करता हूँ भाई। और वॉइस एंड पोइट्री समथिंग लिट, आई लव देम ऑल, आई एंट टायर्ड रीडिंग योर पोइट्री एंड लिसनिंग योर सॉन्ग्स, खुदा आपको हमेशा खुश रखे, लव फ्रॉम कश्मीर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आयुषी बर्मन कह रही है, एक बार कप केक। कि रात को जो तू ख्वाब ले, मैं ख्वाब तू, मखमली सी रेशमी सी आवाज तू, कि जिसको सुन के तेरी नींद को आराम हो, जैसे मैं के तेरे पास में गुलाब हो। कहती जिंदगी में आया कैसा क्रैक है, कह ले कुछ भी तो मेरा कप केक है। तो ये तो हो गए कुछ कुछ गाने जो मेरे को सुनाने थे तुम सबको। अब तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो, अब मैंने तुम्हारी कुछ कुछ चीजें पढ़ी, अब तुम मुझसे पूछ सकते हो कुछ भी अगर तुम्हें पूछना हो तो। अब मैं मेरी बातें बताना चाहता हूं, मतलब अगर तुम सब सुनना चाहते हो तो। हिमानी ठाकुर कह रही है हाय। दीक्षा, राजनंदिनी कश्यप भी ऑनलाइन है, मेरी छोटी बहन है वो, और कॉलेज में वही मेरा एक सहारा थी जिसके सहारे मैं पास हुआ था, नहीं तो मेरा पढ़ाई में बिल्कुल भी कुछ मन मन था नहीं, ज़्यादा गाने बनाने में लगा रहता था। आपका ड्रीम क्या है, दियोरा खुशाल्य पूछ रही हैं। चलो पहला क्वेश्चन आया तो सही, मेरा ड्रीम क्या है।
मेरे ड्रीम्स ना यार बचपन से क्या बदलते रहे। मुझे याद है जब मैं फर्स्ट क्लास में था तो मेरा पहला ड्रीम था कि मुझे पायलट बनना था। तो मेरी हिंदी की टीचर थी सरोज मैडम, तो उनको मैं मुझे याद है मैं क्या करता था। मुझे लगता था कि प्लेन ना खिलौने वाला प्लेन ही दिखाता बचपन में, तो उसमें क्या है आगे की तरफ दो खिड़कियाँ होती हैं, तो मुझे लगता था प्लेन में सिर्फ दो ही लोग बैठ पाते हैं, एक इस तरफ और एक इस तरफ। और तो मैं उनको कहता था सरोज मैडम को, मैम देखना बड़ा होकर पायलट बनूंगा और मैं आपको ना मैं और आप उड़ने चलेंगे आसमान में। तो ये मेरा पहला ड्रीम था कि मुझे ये बनना है। फिर उसके बाद में एक टाइम आया जब मेरे को डॉक्टर बनना था, फिर एक टाइम आया जब मेरे को एस्ट्रोनॉट बनना था। मुझे तारों में, प्लैनेट्स में, यूनिवर्स में ऐसी बड़ी दिलचस्पी थी। फिर एक टाइम आया जब मेरे को म्यूजिशियन बनना था, पर मैं उस लायक नहीं था उस टाइम पे। फिर मैंने बायोटेक्नोलॉजी पढ़ना स्टार्ट किया, मैंने बीटेक किया बायोटेक्नोलॉजी में, और फिर उसके बाद में मैं म्यूजिक में आया फाइनली। और अब अगर आप मुझसे पूछेंगे कि अभी मेरा ड्रीम क्या है, तो मेरे दो ड्रीम्स हैं। एक ड्रीम है कि मुझे मेरे जितने भी मैंने गाने लिखे हैं अभी तक, अराउंड शायद काफ़ी लिखे हैं मैंने, आए शायद 3 4 या 5 6 ही हैं, लेकिन मैंने लिखे शायद बहुत सारे गाने लिखे हैं, 200 300 शायद उससे भी ज़्यादा, जो प्रॉपर रेडी हैं। तो मेरी इच्छा है, एक इच्छा ये है मेरी कि मैं मेरे वो सारे गाने तुम सबको सुनाऊं। और दूसरी जो मेरी इच्छा है, मुझे ना हमेशा से बहुत सारे क्वेश्चंस थे लाइफ के, तो वो ना मुझे जानने थे। जैसे मैं हमेशा सोचता था कि यार हु एम आई, मैं कौन हूँ, और क्या यही जिंदगी है कि हम आते हैं, पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, शादी करते हैं, बच्चे करते हैं और फिर मर जाते हैं। क्या मतलब यही होती है क्या लाइफ, दी एंड, दैट्स इट? हमारा पर्पस क्या है इस लाइफ में आने का, और ये दुनिया बनाई किसने है, क्या मकसद क्या है इस दुनिया को बनाने का? तो क्या इस तरह क्वेश्चंस ना मुझे बचपन से बड़े परेशान करते थे। हालांकि इसका जवाब मुझे कभी मिला नहीं, लेकिन फिर लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें आई रिसेंटली, आज से 4 5 महीने पहले, और मैंने भगवद गीता एज इट इज़ पढ़ना स्टार्ट किया, मैंने चैंटिंग करना स्टार्ट किया। चैंटिंग आप जानते हैं क्या होती है? तो चैंटिंग इज़ अ प्रोसेस जो आजकल मैं सबसे ज़्यादा मेरा टाइम जिसमें जा रहा है ना मेरे म्यूज़िक के अलावा, तो वो है चैंटिंग में और इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढने में, जो मैं हमेशा से चाहता था कि मुझे पता हो। तो उसके लिए मैं पहले मेडिटेशन करता था, पर मेडिटेशन से भी उतना मुझे कुछ आंसर्स खास मिले नहीं। फिर आज से 5 महीने पहले मैंने, जब से भगवद गीता एज इट इज़ पढ़ी, मैंने चैंटिंग शुरू करी। चैंटिंग मेडिटेशन होती है एक टेक्निक। तो फिर मैंने और बुक्स पढ़ी श्रीला प्रभुपाद जी की, आप मेरा बायो देख सकते हैं, मेरे इन्फो में बायो जो मैं लिखता हूँ उसमें मैंने लिखा है इटर्नली इंडेप्टेड टू श्रीला प्रभुपाद एंड हिज बुक्स। तो ये जो मेरा जानने का सफ़र है ना, ये जो क्वेश्चंस के आंसर्स मिलना शुरू हुआ, वो तब से शुरू हुआ जब मैंने श्रीला प्रभुपाद जी की जो लिखी हुई भगवद गीता एज इट इज़ है, जो उन्होंने एज इट इज़ प्रेजेंट करी है, वो सबसे पहले पढ़ी। और फिर उनकी बहुत सारी बुक्स पढ़ी मैंने, उनमें से एक मेरी बहुत फेवरेट बुक है कृष्णा बुक। मैं तुमको दिखाऊं क्या, मैंने रख रखी थी ऐसे शो ऑफ करने के लिए। हालांकि तुम्हें पता है रानंदिनी कश्यप जो मेरी दोस्त है ना, अभी लाइव चैट में है मेरी छोटी बहन, उसको पता है कि मेरे को बुक्स पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं था, मतलब मैं पढ़ाई से एकदम दूर था। लेकिन इतना क्या कहूँ यार, एकदम लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस रहा मेरा, और अब से मेरा फेवरेट जो चीज़ है वो बुक्स पढ़ना ही है, खासकर शीला प्रभुपाद जी की बुक्स में पढ़ता हूँ। तो ये कृष्णा बुक है, देख रहे हो कितना प्यारा कवर है। तो कृष्णा बुक अभी मेरी करंटली फेवरेट, सबसे फेवरेट बुक है, और मैं इसको पढ़ने में काफ़ी टाइम स्पेंड करता हूँ। फिर भगवद गीता एज इट इज़ में पढ़ने में काफ़ी टाइम स्पेंड करता हूँ। फिर मैं चैंटिंग करता हूँ, मैं तुम सबको बताऊँगा अभी कि चैंटिंग कैसे करते हैं, और तुम सब भी ट्राई कर सकते हो। तो इस तरह से मुझे ना मेरे जितने भी आंसर्स में तलाशता था आज तक लाइफ में, वो सारे के सारे क्या है मिलने लग गए। एंड बेसिकली होता क्या है, हम सब ना हमेशा हैप्पीनेस ढूंढते हैं अपनी लाइफ में, कोई भी चीज़ जो हमको हैप्पी कर पाए, कोई भी चीज़ हो सकता है वो शायद गाने सुनना हो। मेरे लिए एक टाइम पे गाने लिखना वो हैप्पीनेस थी। हो सकता है फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करना, बाहर घूमने जाना, गाने गाना, अलग अलग चीज़ें हमको लगता है कि हमको हैप्पीनेस देती है, पर वो क्या है परमानेंट हैप्पीनेस नहीं देती हैं, बहुत फ्लिकरिंग होती है वो हैप्पीनेस। एक पल में हम खुश हैं ना जब तक मिल रही हैं चीज़ें,
और जैसे ही वो चीज़ मिलना बंद हुई हम वापस से उसी जोन में चले जाते हैं कि कहाँ है कहाँ है। तो बहुत ही फ्लिकरिंग और टेम्प्रेरी सी हैप्पीनेस थी लाइफ में, और वो परमानेंट हुई तब से जब से मैंने भगवद गीता एज इट इज़ पढ़ी। उसके बाद में मैंने श्रीला प्रभुपाद जी की बाकी सारी बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया, चैंटिंग मेडिटेशन जो है वो स्टार्ट किया। तो तब से ना व्हेन व्हेन दिस दीज थिंग्स केम इन टू माई लाइफ, देन आई एक्चुअली वॉज एबल टू टेस्ट दैट वॉट इज एक्चुअल हैप्पीनेस। वो रियल हैप्पीनेस क्या है जिसको मैं ज़िंदगी भर से तलाश रहा था, ढूंढ रहा था, और वो मुझे अब जाकर मिल रही है। उसका एक छोटा सा, यूं मान लो छोटा सा एक कतरा मिला है मुझे, लेकिन इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पूरी ज़िंदगी में कभी इतना खुश नहीं हुआ जितना इस एक छोटे से कतरे को लेकर हो चुका हूँ। तो सो दिस इज़ इट, दैट्स हाउ माई लाइफ हैज़ बीन सिंस अ फ्यू मंथ्स, ऑल बिकॉज ऑफ श्रीला प्रभुपाद, ऑल बिकॉज ऑफ चैंटिंग मेडिटेशन। तो चैंटिंग मेडिटेशन कैसे होती है कि बहुत सिंपल टेक्निक है, आप चाहें तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। आपने सुना होगा हरे कृष्णा महामंत्र के बारे में, कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बस इसको आपको चैंट करना और आपको सुनना है। एंड व्हाट दिस डज इज इट इट ब्रिंग्स इमेंस हैप्पीनेस, इमेंस पीस ऑफ माइंड। ये कैसे करता है इसको जानने के लिए तुम्हें और बुक्स पढ़नी पड़ेंगी श्रीला प्रभुपाद की, लेकिन यूँ जान लो कि अगर तुमने इसको करना स्टार्ट कर दिया ना, तो योर लाइफ इज़ गोइंग टू बी सो सो हैप्पी, लाइक यू हैव नो आइडिया। आई हैड नो आइडिया ये ट्राई करने से पहले कि यार वाकई में इतना इफेक्टिव है क्या, बट इन माई एक्सपीरियंस इट इज़ दी मोस्ट इफेक्टिव टेक्निक टू अटेन हैप्पीनेस, टू अटेन पीस ऑफ माइंड, जो कह लो। तो अपन क्या कर सकते हैं कि तुम सब चाहो ना, अगर मैं चाहता हूँ ऐसा तुम सब करो, पर अगर तुम सब भी चाहो तो ट्राई दिस चैंटिंग मेडिटेशन। एक हफ्ते ट्राई करो, 2 हफ्ते ट्राई करो, और मुझे फिर डीएम करो कि मोहित हमने ऐसा ट्राई किया और हमको ऐसा महसूस हुआ इससे, दिस इज़ वॉट माई एक्सपीरियंस इज़, और दिस इज़ हाउ आई फेल्ट आफ्टर ट्राइंग इट। तो फिर मैं कोशिश करूँगा सारे तुम्हारे डीएम्स पढ़ने की, हो सकता है मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊँ, बट आई वुड लव टू नो योर एक्सपीरियंस। एंड तुम सब चाहो तो श्रीला प्रभुपाद जी की बुक्स भी पढ़ सकते हो, और जो भी पढ़ो उसके बाद में उसके मुझे डीएम करके बता सकते हो कि तुम्हारा ये एक्सपीरियंस रहा या ये रियलाइजेशंस रहे। क्योंकि इस टाइम पे ना मेरा सबसे फेवरेट जो चीज़ है करने का वो है स्पिरिचुअल टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करने का, और श्रीला प्रभुपाद जी की बुक्स के बारे में डिस्कशन करने का, और इन सब चीज़ों के बारे में। लाइक दिस हैज़ कम्प्लीटली ब्लोन माई माइंड। सो दिस इज़ माई करंट स्टेटस ऑफ लाइफ, माई थाट्स, माई माइंड। और अब तुम बताओ, तुम्हारे कुछ क्वेश्चंस हैं क्या जानने के लिए, कुछ भी अगर तुम पूछना चाहते हो तो। मैंने तो मेरा बता दिया कि ये मेरी लाइफ में ये सब चीज़ें चल रही थी। कब्ज राजपूत कह रहे हैं सर मैं भी करूँगा, क्या बात है, ठीक है ब्रो, आप ज़रूर ट्राई करना हरे कृष्ण चैंटिंग, और फिर मुझे बताना कैसा लगा डीएम में। हालांकि हो सकता है मैं रिप्लाई नहीं करूं, लेकिन मैं कमेंट मतलब मैसेजेस सबके देखूंगा, ये गारंटी है, चाहे 2 मैसेज आए चाहे 2,000 मैसेज आए। करंट गर्लफ्रेंड कौन है, प्राच कह रही है, मेरी करंट गर्लफ्रेंड है ये चैंटिंग बैग, और इसमें रखी तुलसी माला। तो मेरा अभी इन्हीं के साथ में चल रहा है प्यार मोहब्बत का खेल, और कोशिश करता हूँ कि मैं जितनी प्यार से हो सके चैंटिंग कर पाऊँ, क्योंकि इसने जो मेरे को खुशी दी है ना लाइफ में, वो किसी और चीज़ ने नहीं दी है। तो क्या है, अभी मेरा जो माइंड है, जो मेरा हार्ट है, वो मेरा दिल तो यहीं है, यहीं तो मेरा दिल क्या है, यहीं पे अभी टिका हुआ है। शुभम कह रही है, शुभम कह रहे हैं मैं भी करूँगा सर, ठीक है शुभम भाई, आप करना ज़रूर, और मुझे बताना कि कैसा आपको महसूस हुआ, आई वुड लव टू नो। अभिषेक की पोइट्री, थोड़ा सा किराना से जाके कह दूंगी गा दो। वो कृष्णा लिखना चाहते थे पर उन्हें किराना लिख दिया, लेकिन एक्चुअली मैंने कृष्णा से जाके कह दूंगी ऑलरेडी मैं गा चुका हूँ। आस्था औरी कह रही है हे मोहित, हाय आस्था, हे मोहित सर पीयू, न्यू सॉन्ग कब आ रहा है आपका, शर्मा कनिष्का पूछ रही हैं, जल्दी टॉपिक पे बात करें सर,
हाँ बताओ किस टॉपिक पे बात करनी है? आप चैंटिंग के अलावा क्या करते हैं? मैं चैंटिंग के अलावा और कुछ नहीं कर रहा हूँ अभी इन दिनों। तो कैसा होता है कि इवन जब गाने बनाते हैं ना, तो मैं पहले मैं गाने बनाता था, गाने हमेशा मैं तभी बना पाता था जब मैं अंदर से वो चीज़ महसूस कर पा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल जब लाइफ में रोमांस चल रहा था, उस तरह का मटेरियलिस्टिक रोमांस, तो मैं उस तरह के गाने बनाता था। हाँ मेरा दिल तो वहीं है वहीं। अभी मेरा जो कॉन्शियसनेस है, जो थॉट्स हैं, वो थोड़े अलग तरह के हैं, तो मैं भी थोड़े अलग तरह के गाने बना रहा हूँ। तो उनमें से एक गाना है, मैंने आई थिंक थोड़े लास्ट लाइव चैट में सुनाया भी था, बहुत ही प्यारा सा एक गाना है, सब कृष्णा ने किया है। तो उसके ऊपर भी काम चल रहा है, मैं कोशिश करूँगा उसको जल्दी रिलीज़ करने की। और बाकी भी बहुत सारे सॉन्ग्स हैं जो एक एल्बम बना के मैं लाने का सोच रहा हूँ, एंड लेट्स सी क्या होता है। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस आप सबके? मोनाली दास, हाय सर। हाय मोनाली, आपका वो सॉन्ग बहुत पसंद है, फिर मुझे दिल से पुकार तो। थैंक यू। एक्चुअली फिर मुझे दिल से पुकार तो बनाने वाले हैं कुणाल वर्मा भैया, जो बहुत ही अमेजिंग लिरिसिस्ट है, और रैपरिया बालम भैया, जो बहुत ही अमेजिंग सॉन्ग राइटर रैपर हैं। तो उन दोनों की जोड़ी ने मिलकर ये ब्यूटीफुल सॉन्ग बनाया था, फिर मुझे दिल से पुकार तू, कह दे मेरा एक बार तू, तेरे जैसा मैं बन जाऊंगा, हौले हौले थोड़ा सा सुधार तू। मैंने सिर्फ गाया था और उसकी शुरुआत की पोएट्री लिखी थी, जब कॉलेज में जाने की बारी आती है ऐसे करके। गोपिका का क्वेश्चन आया था कि आप चैंटिंग कैसे करते हो, तो मैं चैंटिंग कैसे करता हूँ, मैं जो तुलसी बीड्स हैं, ये मेरा बीड बैग है, तो इसमें तुलसी माला है, मैं उसको लेता हूँ और उस पर फिर मैं चैंटिंग करता हूँ। आप मुझे DM भी कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग गोपिका, तो मैं आपको एग्जैक्ट प्रोसेस भी बता दूंगा, और फिर आप भी ट्राई कर सकते हैं चैंटिंग, और मुझे बताना ज़रूर कि कैसा लगा आपको। प्रिया चटर्जी कह रहे हैं, हाय मोहित, आई रियली लव यू एंड योर वॉइस, थैंक यू सो मच। ऋतुजा कह रही है, पोइट्री बहुत मस्त है, थैंक यू थैंक यू। पोइट्री, मुनु, हाय मुनु बंधु, दो दो मुनु नाम से मैसेजेस आए अलग अलग अकाउंट्स के। पायल कह रही है, कपकेक जैसी मिठास है आपकी वॉइस में, अरे थैंक यू। ओनली निक्स कह रहे हैं, दिखाओ दिखाओ वापस। ये है मेरा चैंटिंग बैग, इसमें आप देखेंगे श्रीला प्रभुपाद जी और यशोदा मैया और अपने कान्हा जी बाल स्वरूप में। तो ये चैंटिंग बैग है और इसके अंदर तुलसी माला है जिसपे मैं चैंटिंग करता हूँ। और कुछ क्वेश्चंस हो आपके, आप पूछ सकते हैं। इट्स फौजिया मुस्लिम रिलीजन। तो फौजिया, बहुत ही अमेजिंग बात है, जब मैंने भगवद गीता एज इट इज़ पढ़ी ना, तो मुझे ये बात पता चली कि बेसिकली जो भगवान है ना, जो अल्लाह है, जो गॉड है, वो एक ही है, और उनको अलग अलग टाइम पे, अलग अलग सरकमस्टांसेस और प्लेसेस की वजह से अलग अलग नाम देने पड़े, लेकिन वो जो एक है ना, जो सुप्रीम क्रिएटर है, वो एक ही है। आप उनको अल्लाह कह सकते हैं, आप उनको कृष्ण कह सकते हैं, भगवान कह सकते हैं, गॉड कह सकते हैं। तो बेसिकली वी सारे रिलीजन्स ना उस एक ही सुप्रीम पर्सन की बात करते हैं। तो अगर हम अपने रिलीजन को अच्छे से समझेंगे, भले ही वो इस्लाम हो, चाहे वो भगवत सनातन धर्म है, भगवत भागवत धर्म है, और क्रिश्चियन रिलीजन है, तो जब हम रिलीजन्स को अच्छे से स्टडी करेंगे, उनको समझने की कोशिश करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि वो सारे के सारे रिलीजन्स ना एक ही सुप्रीम की बात कर रहे हैं। उसको अलग अलग नाम दिए गए हैं, पर वो है एक ही। भवानी कह रही है, नाइस। इट्स फौजिया कह रहे हैं, इट्स वेरी स्वीट। कप्स कह रहे हैं, बस नाम अलग हैं। आई एम ऑल्सो कृष्णा भक्त, सुन लो मेरी पुकार, करनानी खुशी कह रहे हैं। भावना शर्मा, यस। मोनी गोर कह रही है, आपके टीथ बहुत अच्छे हैं। स्पाइडर अनोनिमस कह रहे हैं, मुझसे गुस्सा है क्या? नहीं, अरे नहीं भाई, मैं कैसे गुस्सा हो सकता हूँ आप सब में से किसी से भी। दिव्या मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, इनके साथ में मैंने एक शो किया था 31 दिसंबर को जयपुर में, और ये बहुत ही कमाल की सिंगर हैं। हे मोहित कैसे हो, कान्हा जी का भजन सुना दो कोई।
दिव्या खुद कमाल की सिंगर हैं और वो मुझे कह रही हैं गाने के लिए, तो ये तो अलग सी चीज़ हो गई। बहुत बहुत ही कमाल की सिंगर है दिव्या, तो मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा गाने का। तो कौन सा सुना तुमको, सुनाता हूँ, रुको देखो। या ये नहीं यार, मैं तुमको वो सुनाता हूँ, ये बहुत प्यारा भजन है लेकिन ये वाला भी बहुत पसंद आएगा तुमको। तो इस सॉन्ग का नाम है, ये वैष्णव सॉन्ग है। वैष्णव सॉन्ग्स कौन से सॉन्ग्स हैं जो वैष्णव आचार्यास ने लिखे हैं? तो ये सॉन्ग, इस सॉन्ग का नाम है यशोमती नंदना ब्रज बरो नागर, यशोमती नंदना ब्रज बरो नागर, गोकुल रंजन काना, गोकुल रंजन काना, गोपी परण धन मदन मनोहर, गोपी परण धन मदन मनोहर, काली आदमाना विधाना, काली आदमाना विधाना, यशोमती नंदना ब्रज बरो नागर, यशोमती नंदना ब्रज बरो नागर, गोकुल रंजन काना, गोकुल रंजन काना। तो ये मेरा एक बहुत ही फेवरेट भजन है जो श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी ने लिखा था। इस सॉन्ग का नाम है यशोमती नंदन, जो एक वैष्णव सॉन्ग है, और करंटली मेरे सबसे फेवरेट जो सॉन्ग्स चल रहे हैं वो यही सॉन्ग्स चल रहे हैं। वैष्णव सॉन्ग्स मैं सुनना बहुत पसंद कर रहा हूँ इन दिनों। तो इस सॉन्ग का मतलब है यशोमती नंदन द सन ऑफ मदर यशोदा एंड ब्रज बरो नागर द डिलाइट ऑफ व्रज, गोकुल रंजन कान्हा। गोकुल जो पूरा क्षेत्र है, पूरी जगह है, उसके सबसे जो चहेते हैं, उनके राज दुलारे, वो है कान्हा। कान्हा जी कृष्णा जी का एक निक नेम है। हाय सर, प्लीज रीड माय कमेंट, लव सॉन्ग, थैंक यू राठौड़, विकास, उत्तम गौड़ ऐसे कर रहे हैं, राजनंदिनी कश्यप, हार्ट्स, थैंक यू नंदू। तो ये सब थी मेरी बातें, और बड़ा अच्छा लगा यार इतने टाइम बाद तुम सबसे बातें करना। और अब टाइम है जाने का, मैं जाता हूँ, थोड़ा चैंटिंग करूँगा, थोड़ी बुक रीडिंग करूँगा और फिर सोने जाऊँगा। तुम सब भी चाहो तो चैंटिंग कर सकते हो ट्राई, एंड ट्राई करो तो ज़रूर मुझे बताना कैसा लगा तुमको चैंट करना। बहुत सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल, तुम्हें बस ये हरे कृष्ण मंत्र कहना है और सुनने पे फोकस करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक चीज़ करते हैं, चलो हम साथ में एक बार ये चैंटिंग ट्राई करते हैं, क्या कहते हो? ठीक है, तो अभी जाने से पहले हम कोशिश करते हैं, हम साथ में एक बार ये चैंटिंग ट्राई करते हैं। तो मैं अभी ये चैंटिंग कहूँगा, कोशिश करो तुम भी मेरे साथ में इसको बोलने का, और फिर मुझे बताओ कि तुमको कैसा लगा। ठीक है, कमेंट में मुझे बताना हाउ डिड यू फील। तो क्या तुम सब करना चाहते हो मेरे साथ में अभी चैंटिंग, लाइव चैंटिंग? स्वाति कह रही है लाइव चैंटिंग एक बार प्लीज है। क्या ही स्माइल, हेलो, ओके। अंशिता मुखरिया कह रही है ओके। तो क्या तुम सब मेरे साथ में लाइव चैंटिंग करना चाहोगे अभी? ट्राई चैंटिंग मेडिटेशन।
प्रीति कह रही है यस, डिंपल सेटिया कह रही है हरे कृष्ण, उमा सिंह कह रही है ओके, स्वाति कह रही है डेफिनेटली, धर्मेश दर्शन सर्स फैन यस, पीहू हाय, प्रिया ओके यस, मोहित भैया मल्होत्रा, पवनीत कह रहे हैं, मधुरिया बर्मन कह रहे हैं आई एम रेडी, अदिति पांडे कह रही है श्योर सर, श्रद्धा कह रही है यस ओके डन, ज्योति राय का भी यस आ गया, सर फिरी छोरी का भी बिल्कुल आ गया, क्या बात है। तो ठीक है, तो अभी हम साथ में चैंटिंग ट्राई करें। दिव्या जो मेरी दोस्त है वो भी कह रही है चलो स्टार्ट करते हैं चैंटिंग करना। तो आप सबको क्या करना है, आप सबको मेरे साथ में रिपीट करना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, मैं एक बार फिर से कहता हूँ कि क्या रिपीट करना है, और फिर मुझे बताना तुम सब कमेंट्स में कि तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो बहुत सिंपल है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, अपन ये थोड़ी देर करेंगे, मैं कहूँगा तुम सब मेरे साथ में रिपीट करना और फिर बताना हाउ डिड यू फील। तो क्या करना है तुमको, वो कहना है और सुनना है बस, और कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल मेडिटेशन टेक्निक है ये। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैसा लगा बताओ? मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पीसफुल लग रहा है अभी, माइंड एकदम से ऐसा लग रहा है शांत हो गया है। तुम सबको कैसा लगा, जिस जिसने भी ट्राई किया अभी मेरे साथ में चैंट करना, प्लीज़ कमेंट में बताना ज़रूर कि कैसा तुम्हें महसूस हुआ। इनर पीस, इट्स मनीषा, बिल्कुल। तो मैंने भी जब सबसे पहले ये ट्राई किया था ना मनीषा, तब मुझे इतनी ज़्यादा हैप्पीनेस, इतना ज़्यादा पीस ऑफ माइंड मिला था ना, कि फिर मुझे और कोई चीज़ पसंद ही नहीं आई, सुपर्ब से भी ऊपर। बहुत ही सुकून मिला, परीता मकादिया कह रही हैं, रवि भाटी कह रहे हैं सुपर, सुकून मिला, इम्परफेक्टली परफेक्ट कह रही हैं, फीलिंग रिलैक्स्ड, रेशमी साहू कह रही हैं ऑसम, सिंह श्रुति कह रही हैं बहुत अच्छा लगा, वेदांती जानवी कह रही हैं बताओ कैसा लगा, जिसने भी चैंटिंग ट्राई करी तो। तो यही इसकी बात है, वैशाली त्यागी कह रही है सुकून, है ना, तो यही इसकी खास बात है इस चैंटिंग मेडिटेशन की, इस हरे कृष्ण मंत्र मेडिटेशन की, कि ये बहुत इजी है, आप इजीली इसको कहीं भी आप चैंटिंग कर सकते हो, और कहीं भी आप जो इसका जो फ्रूट है जो कि है हैप्पीनेस और इनर पीस, वो आप महसूस कर सकते हो। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, शिप्रा कह रही है सुकून मिल गया। सुकून, शिल्पी कुमा कह रही है, तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आप सब प्लीज़ इसको ट्राई करना, एटलीस्ट 2 हफ्ते या 1 हफ्ता आप ज़रूर ट्राई करना इसको, डेली कोशिश करना चैंट करने का जितना ज़्यादा हो सके, जितनी देर आप कर सको, और फिर मुझे 2 हफ्ते बाद DM ज़रूर करना कि तुमको कैसा लगा, हाउ डिड दिस मेक यू फील। बिकॉज मुझे तो लाइफ में, मतलब मैं 4-5 महीने से ट्राई कर रहा हूँ, एंड मेरी पूरी लाइफ की जो हैप्पीनेस है ना, एक एक चीज़ जो उसमें हुई है वो सारी एक तरफ, और जो चैंटिंग से जो मुझे इनर पीस और हैप्पीनेस मिला है वो अलग लेवल पे है। तो ये मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस है, जो मेरी इच्छा हुई कि मैं तुम सब के साथ में शेयर करूं, और तुम सब भी इसको ट्राई कर कर ज़रूर बताना हाउ डिड दिस मेक यू फील,
एंड आई विल वेट फॉर योर डीएम्स। हालांकि हो सकता है मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊँ, लेकिन मैं पढ़ूंगा सारे के सारे। एंड जाते जाते, बस अभी टाइम है जाने का, तो जाते जाते मैं कोशिश करता हूँ क्या चैंट करना है, प्लीज रिपीट। ओके, सो जाते जाते मैं ये सॉन्ग गाता हूँ, और जो चैंटिंग हमने करी आप इसको गा सकते हैं मेरे साथ में, ठीक है? तो कोशिश करना साथ में गाने की। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो थैंक यू सो मच लाइव चैट में आने के लिए और बातें करने के लिए, मेरी बातें सुनने के लिए, अपनी बातें बताने के लिए। आई होप टू सी यू ऑल सून, एंड कोशिश करना चैंटिंग करने की। अगर आपको बुक्स पढ़ना पसंद है तो जाना ऑनलाइन, और श्रीला प्रभुपाद जी की कोई भी बुक आप ज़रूर पढ़ना। एंड आई वुड लव टू डिस्कस क्वेश्चंस अबाउट स्पिरिचुअलिटी, क्वेश्चंस अबाउट श्रीला प्रभुपाद एंड हिज बुक्स, हिज फिलॉसफी। एंड कभी भी, जब भी आपको इच्छा हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। दिस इज़ माई फेवरेट थिंग टू डू राइट नाउ। आई वुड लव टू शेयर दिस ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस विद यू दैट हैज़ चेंज माई एंटायर लाइफ, एंड इट ऑल बिगेन आफ्टर रीडिंग भगवद गीता एज इट इज़ बाई श्रीला प्रभुपाद। एंड थैंक यू सो मच अगेन, एंड होप टू सी यू सून। चैंटिंग करना कोशिश करना, और मुझे बताना कैसा लगा तुमको चैंटिंग करके, ठीक है?